और भाई क्या हाल है। तो जैसा तुमने देखा बर्फ़ जमी है हर जगह, और इस टाइम पर मैं जा रहा हूँ मासी के घर डरबी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ हैं। छुट्टियाँ इन द सेंस क्लासेस ही हफ्ते में दो दिन होती हैं मेरी। तो मैंने सोचा एक चक्कर ज़रा मारा दें आज, तो बस वहीं जा रहा हूँ। जा हालांकि दो तीन दिन के ले रहा हूँ, बट भाई सामान बहुत ज़्यादा हो गया। तीन तीन बैग लेके जा रहा हूँ, एक गिटार, एक पिट्ठू बैग जिसमें लैपटॉप है और चार्जर्स वगैरह हैं सारे के सारे, और एक ये बैग जिसमें कि कपड़े वपड़े हैं। तो भाई बस वो कोने में मेरा बस स्टॉप है और मुझे ये रोड्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, बट यहाँ पे क्रॉसिंग पे गाड़ियाँ नहीं रुकती भाई। मजा ले दो मिनट रुक जाए किसी गरीब आदमी के लिए। अजी कद्दू, इनको अपनी विल भी होती है। आज लकीली मेरे को विल का टाइम क्रॉस करने का नहीं तो मिलता ही नहीं भाई, ये रुकते ही नहीं किसी के लिए, बहुत बदतमीज लोग हैं। आज यहाँ से जल्दी निकल गया नहीं तो इनको जनरली बहुत जल्दी रहती है, जैसे इनकी गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो गया और इनको शादी रुकवाने जाना है, बस रुकते ही नहीं। दिखा रहा हूँ तुम्हें, आए जाएंगे रुकेंगे ही नहीं है, रुकना ही नहीं होता इनको। मतलब दो मिनट का सफ़र नहीं है भाई, ये नहीं कि एक बंदा इतना राम राम लेके चल रहा है। दो मिनट रोड क्रॉस कर ले वो, दो मिनट रुक देता है, बट नहीं भाई कहाँ शादियाँ रुकाने जाना इनको। बस मुझे बस में बैठा हूँ ना, बस इसके बाद स्टेशन ट्रेन स्टेशन पर जाना है। जो मैं यूजली यूनिवर्सिटी जाते हुए में वो मेट्रो स्टेशन से होता है, बट ये ट्रेन स्टेशन का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा, लाइक ट्रेन का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। तो लेट्स सी कैसा जाता है, आई होप अच्छा ही जाए, बट लेट्स सी। ट्रैफिक तो इधर भी होता है, ट्रेन स्टेशन दिखाता हूँ एक सेकेंड। बीटी हो गई, मेरे को रिकॉर्ड करना था पूरा का पूरा, मैं चल के आ गया, बट मैंने रिकॉर्ड बटन ही दबाया। नाइस, भरा पड़ा भाई बिल्कुल ही, बहुत ज़्यादा क्राउड, बहुत ही ज़्यादा। अब भाई हैरी पॉटर फैंस, तुम देखना एक क्लिप डालूँगा पहचानना। पहुँच गया, एक्सपेक्टेशन से जल्दी पहुँचाऊँ, एंड फॉर अ चेंज मेरे को इतनी शर्म नहीं आ रही ब्लॉगिंग करते हुए, क्योंकि मैंने 8-10 बंदे देख लिए हैं जो कर रहे हैं, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ। भाई सामान लेके चलते हुए ब्लॉगिंग करने में भी 100 तरह की तकलीफ है। मैं लेके चल ही रहा था, अभी हाथ से बैग स्लिप हो गया था, गिर गिर के बचा, सामान भी बहुत सारा है, क्या ही करें, बहुत ही बुरा कटते कटते बचा है। अभी मैं फिर गूगल मैप्स के भरोसे गलत टर्न ले चुका था और मैं आगे चलना स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने रियलाइज करा कि नहीं हो सकता गलत टर्न हो। Thank you.
हो नहीं पाता, मैं तुम लोगों को दिखा नहीं पाता। जैसे ये देखो, बड़ी मुश्किल से पब्लिकली ब्लॉग कर पा रहा हूँ अभी। थोड़ा लाइक पहले शर्म आती थी, अब थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है जैसे जैसे कर रहा हूँ। बट ठीक है, देख लें, अभी स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे आएगा मेरे को कैसे करते हैं, एंड होपफुली तुम लोगों को भी अच्छा लगे, तो बने रहना साथ में। सही है, इंडिया में मैं घर के बाहर नहीं निकलता था, यहाँ पे मैं एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहा हूँ, वो भी अकेला बिल्कुल। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, अकेले की नर्वसनेस है बिल्कुल है, बट ठीक है। जाने में टाइम बहुत लग रहा है, तो मैंने उतना में एक बार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक सेकेंड बाहर का व्यू दिखाता हूँ ज़रा। भाई वही लग गया ना, देख अब मैंने वहाँ से कैमरा हटाया, अब क्लियर व्यू आना स्टार्ट हो गया। मतलब वही है भाई, हर बार जब भी मैं ब्लॉग करके कुछ ना कुछ बाहर का लेने के चक्कर में होता हूँ ना, तो हर बार कुछ ना कुछ पीछे आ जाता है। और जब मैं फिर करने की सोच रहा था रिकॉर्ड कैमरा लगा के, फिर बीच में आ गया यार। इस क्लिप में थोड़ा कुछ तो रिकॉर्ड हुआ भाई, दिल को जानती हूँ कि इस बारी कुछ सामने नहीं रहा, मतलब बीच में आ गया था, बट एटलीस्ट मतलब तीन चार कुछ सेकेंड तो रिकॉर्ड हो ही गया। सही है भाई। इन द मेन टाइम एक थैंक यू उन सबको जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, एंड जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करा है। गाइस दिस मींस अ लॉट टू मी, ठीक है, दिल से तुम सभी का थैंक यू, शेयर कर रहे हो भाई, ढेर सारा कर दो, ठीक है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल कि तुम मतलब देख रहे हो, तुम्हें पसंद आ रहा है यार। इधर भी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, जैसे हम दिल्ली से पंजाब या जैसे हम दिल्ली से मेरठ के बीच में जाते हैं, तो वहाँ पर हमें बहुत सारी फीलिंग्स मिलती हैं। यहाँ भी सेम है भाई, इतनी ज़्यादा ग्रीनरी है ना, मैं तुम्हें बताऊँगा हर जगह फील्स हैं, पेड़ वेड़ लगे हुए हैं, देखो। फिर वही हो गया है ना, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मैं दिखाता हूँ कुछ आ जाता, फिर दिखाता हूँ फिर कुछ आ जाता, मैंने फिर दिखाया फिर कुछ आ गया, मैं कैमरा इधर करा हट गया। उसे काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, और उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा शांत भी। बस ये रहा जी एग्जिट सामने, ये
यहाँ से अब एक बस पकड़नी है और उसके बाद आगे जाना है। बस देखता हूँ कहाँ पे है स्टेशन और फिर जाऊँगा वहाँ। बस टाइम ट्रैवल की ना बीटी की हुई है। अब मैं यहाँ भी फिर गलत जगह उतर गया हूँ, गलत एग्जिट पे। मतलब स्टेशन तो सही पकड़ा है, स्टेशन सही उतरा हूँ, एग्जिट गलत उतरा हूँ। अब मेरे को बस स्टॉप तक चल के जाना पड़ेगा। या मैं सोच रहा हूँ घर ही चलता, घर तो बहुत दूर हो जाएगा घर चलते हुए। मेरे को बस स्टॉप तक चलते हुए जाना पड़ेगा। मतलब पहले भी चल के जाना था बट अब घूम फिर के जाना पड़ेगा। कहीं ढूंढता हूँ कहाँ से जाते हैं, पता नहीं अभी। तो यार घूमते घूमते आ गए सही एग्जिट पे। यहाँ पे एक्चुअली बंदे काफ़ी अच्छे हैं, दो लोगों ने मेरी हेल्प करी, गलत एग्जिट पे था। बट लाइक रास्ता तो गूगल मैप्स पे ही देखा हुआ था मैंने कि एग्जिट गलत पे आ गया हूँ। बट उन्होंने मैंने अपनी टिकट डाल दी थी वहाँ से, लेक निकलने के लिए टिकट डालनी पड़ती है उसमें, तो मैंने वो कर दिया था। गलत एग्जिट पे निकला तो दोनों ने मेरे लिए गेट्स खोल दिए बिना कुछ बोले। एक ने साथ में बैग आगे करवा दिया मेरा। वो तो सही है, हेल्पफुल है बंदे भी यहाँ पे काफ़ी। अब बस का वेट कर रहा हूँ, अब तक तो आ जानी चाहिए थी, देख लेते हैं आ जाएगी तो। मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है, पहुँचे तो फिर मैं बस में चढ़ के घर जाऊँगा। ठंड बहुत लग रही है इधर तो, बर्फ बर्फ पड़ी हुई है। इधर का टेम्परेचर हैरो से भी कम है, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से भी कम है। यहाँ का टेम्परेचर अलग है भाई। बस भी हो गई बोर्ड और अब बस 12 स्टॉप्स हैं, 10-12 मिनट लगेंगे उसके बाद उतरना है। मैं यहाँ से भी पैदल ही जाने वाला था पहले, क्योंकि मेरे को 10 मिनट हो गए थे बस का वेट करते हुए। आइडियली तब तक आ जानी चाहिए बट टाइम नहीं है। उतर गए जी बस से, अब पहुँच गए हैं ऑलमोस्ट। थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा यहाँ पे, और जो मेन लंदन में बसेस हैं उनमें डिफरेंस है। एक डिफरेंस ये है कि उसमें जैसे दो गेट्स होते हैं, डोर्स होते हैं, सामने वाले डोर से एंटर करना और पीछे वाले से एग्जिट। इसमें एक ही डोर है, वहीं से एंटर करो और वहीं से एग्जिट। दूसरा, इधर ड्राइवर टिकट निकाल के देता है, वहाँ पे सीधा कार्ड रीड करो, थोड़ा सा अमाउंट कटेगा वो कटवाओ और उतर जाओ। और इधर अब एक मिनट में ज़रा मैप देख लूँ। एक बंदे का नेम वायरल नहीं हुआ था, चारों तरफ कोरा ही कोरा। इधर भी वही सीन चल रहा थी, जहाँ देखो वहाँ फॉग आ रखी है। रास्ते में भी आई थी और रास्ते में मैंने रिकॉर्ड भी करी थी। एक्चुअली इधर क्या है, इधर बीच बीच में ना स्नोफॉल हो रखी है, स्नो पड़ी हुई है। एक्चुअली स्नो पड़ी हुई है बीच बीच में जगह जगह पर। लंदन में वैसा कुछ नहीं है और इधर वहाँ के कंपैरिजन में ठंड भी ज़्यादा है, उधर ठंड भी कम है। तो यही है भाई, और ये शांत भी बहुत ही ज़्यादा है। लंदन में तो भाई भीड़ भड़क का पूरा, स्टेशन्स पे भी पूरा पहुँच पहुँच हो रही थी। मैंने रिकॉर्ड भी करा, देख लेना। बाकी घर में ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ बहुत मतलब मेरे को अलग लगी। जैसे इंडिया में हमारे यहाँ हमको स्ट्रे डॉग्स और कैट्स दिखती हैं, यहाँ पे उनकी जगह फॉक्स बहुत कॉमन है। हर दूसरी जगह चलता फिरता सुबह सुबह फॉक्स दिखता। मेरे घर के पास ही मेरे को आज 4 बार ही देखा सुबह। मतलब मैं लेट सोता हूँ 2-3 बजे, मेरे को सुबह 2-3 बजे भी वहाँ पर देखा। और मैं उठ के जब निकलने लगा था तभी भी दिख रहा था। है गिटार है कि लेकिन चलते चलते नीचे आती रहती है, उसमें फिर फ़ोन साइड में रखना पड़ता है रिकॉर्डिंग बंद करके। जब तक अंदर बटांगता हूँ तब तक भूल भी जाता हूँ कि क्या बोलना था। ये देखो ये बर्फ़ है जिसकी मैं बात कर रहा था, जो यहाँ पे है। और ऐसे नीचे वो
पानी वाने से ऐसे जम जाता, उसकी वजह से बड़ी दिक्कत होती है। ऐसा यूनिवर्सिटी के रास्ते में भी हुआ था, यूनिवर्सिटी के रास्ते में भी ऐसे जम गया था नीचे, मतलब बर्फ़ मेल्ट हुई थी और पानी जम गया था, और मैं वहाँ भी 4-5 बार स्लिप होते होते बचा था। पहुँच गया हूँ तो अब करता हूँ रेस्ट और इस व्लॉग को यहाँ पे करता हूँ एंड। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में या अगले किसी और वीडियो में जो मैं बनाऊँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।